हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा तो देखिए फ्रेंड्स आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन ड्रेस बनाएंगे और ये ड्रेस हमने बिना किसी लेस बिना बुकरम के बनाई है तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये पोशाक पहना कर दिखाती हूँ मैंने देखिए यहाँ पर कान्हा जी को ले लिया है और इस तरीके से हमें कान्हा जी को चोली पहनानी है पीछे से हम चोली को ऐसे क्रॉस करके रखेंगे फिर यहाँ कमर से हमें ऐसे लेके जाना है स्कर्ट को और पीछे ले जाकर बांध देना है तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं और इसका लुक भी बहुत अच्छा आया है मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक दिखेगा जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड टू सिक्स एट साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की हैवी ड्रेस बनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए येलो कलर के गोटा पट्टी वाले फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कितना खूबसूरत फैब्रिक है और इसमें ये जो पतली पतली सी लेसेस लगी हुई है ना इसकी वजह से ड्रेस का लुक बहुत ज्यादा हैवी होता है तो आज जो हम ड्रेस बना रहे हैं वो बिना बुकरा बिना किसी लेस के सिर्फ कपड़े का यूज करके कान्हा जी के लिए पोशाक बनाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूं हम देखिए इसकी लंबाई देख लेंगे तो कपड़े की जो टोटल लंबाई है वो मैंने थर्टी एट यानी कि अड़तीस इंच रखी है अब हम इसकी चौड़ाई देखेंगे तो कपड़े की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने साढ़े चार इंच यानी कि फोर पॉइंट फाइव इंच रखी है मैंने देखिए ये फैब्रिक यूज़ किया है क्योंकि इसमें जो लेस लगी है उसकी वजह से हैवीनेस होती है साथ ही साथ शाइन भी बहुत अच्छी होती है पर अगर आपके पास इसमें का कपड़ा नहीं हो तो आप चंदेरी टफेटा सिल्क कोई भी फैब्रिक यूज़ करके बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं अब हमें इसको देखिए पलट कर पीछे की तरफ से रखना है और यहाँ किनारे से हम डबल फोल्ड करेंगे पहले हमें एक बार फोल्ड करना है फिर एक बार और फोल्ड करना है ऐसे डबल डबल फोल्ड करते हुए हमें यहाँ किनारे से सिलाई लगानी है साथ ही साथ नीचे की तरफ से भी हम इसमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और इधर कॉर्नर पे भी सिलाई लगाएंगे फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा आज जो मैं ड्रेस बना रही हूँ वो बिना बुकरम और बिना किसी लेस के बना रही हूँ इसीलिए मैं इसमें कोई भी लेस नहीं लगा रही हूँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ नीचे की तरफ से हमने जो देखिए डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है इसके ऊपर कोई भी हैवी या फिर हल्की सी लेस भी लगा सकते हैं जिससे ड्रेस का लुक और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो हमें देखिए कपड़े को इस तरीके से रखना है और सबसे पहले हमें दोनों तरफ से पकड़ते हुए ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है फिर हम पहली प्लेट डालेंगे और इसको हमें यहीं पे लॉक कर लेना है इस तरीके से लॉक करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो सुई है ना ये अभी ऊपर की तरफ है तो इसको हमें ऐसे अंदर की तरफ रखना है मैं आपको पास से दिखाती हूँ देखिए ऐसे हमने सुई को अंदर की तरफ रखा है जैसे कि जब हम पीछे से ऐसे ऊपर करेंगे तो ये यहाँ पे लॉक हो गया है ये निकलेगा नहीं और ड्रेस ख़राब नहीं होगी अब हमें फिर से ऐसे कपड़े को दोनों तरफ से पकड़ के फोल्ड करना है और जो पहली प्लेट हमने डाली है इसके ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए ऐसे हमें दूसरी प्लेट रखनी है इसको भी हम लॉक कर लेंगे और सुई को हमें अंदर करके रखना है फिर से हम तीसरी प्लेट डालेंगे और जो दूसरी प्लेट हमने डाली है इसके ऊपर हल्की सी जगह छोड़ते हुए हम तीसरी प्लेट रख देंगे जब भी भी हम प्लेट्स डालते हैं ना तो हमें कपड़े को दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे फोल्ड करते हुए प्लेट्स डालनी चाहिए जिसकी वजह से प्लेट्स एकदम बराबर पड़ती हैं ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ऊपर से भी ये बराबर है और नीचे से भी ये एकदम बराबर है अब देखिए हम इसको यहीं पर लॉक कर लेंगे सुई को हमें अंदर की तरफ रखना है प्लेट्स डालते समय एक बात और हम ध्यान रखेंगे नीचे की तरफ से हमें इसको एकदम बराबर रखना है अगर ऊपर की तरफ से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो भी कोई बात नहीं क्योंकि हम उसको कट करके निकाल देंगे लेकिन नीचे की तरफ से तो हमने फोल्ड करके सिलाई लगाई है तो इसीलिए उसको हमें एकदम इक्वल रखना है ऐसे ही पतले पतले से और एक के ऊपर एक करते हुए हमें प्लेट्स डालते जाना है और यहाँ ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है प्लेट्स डालते हुए हमने देखिए यहाँ ऊपर की तरफ से सिलाई लगा ली है और नीचे से मैंने देखे इसको एकदम बराबर रखा है अब यहाँ ऊपर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल लेंगे जिससे हमें बेल्ट लगाने में आसानी होगी तो हमें ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए सिर्फ हम एक्स्ट्रा कपड़ा ही कट करेंगे इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद अब मैं आपको कमर की टोटल चौड़ाई बता देती हूँ तो जब हम इसको मेज़र करेंगे तो कमर की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने देखिए सिक्स इंचेस यानी कि छः इंच रखी है अब हमें कमर पे बेल्ट लगानी है तो मैंने यहाँ पे येलो कलर के प्लेन फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है ये इसी में का कपड़ा है सिर्फ़ इस पर गोटा नहीं लगा हुआ और इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने सेवन इंचेस यानि कि सात इंच रखी है अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है जितनी हम कमर की टोटल चौड़ाई रखेंगे उसे एक इंच ज़्यादा चौड़ाई हमें बेल्ट की रखनी है क्योंकि देखिए दोनों तरफ से अब हमें इसको एक एक बार फोल्ड करना है तो जब फोल्ड करके हम इस कमर पे रख के इसको सिलाई लगाएंगे तो जो बेल्ट है वो भी कमर के हिसाब से एकदम बराबर हो जाएगी ऐसे बराबर करके रखते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है सिलाई लगा के बेल्ट ज्वाइंट करने के बाद अब हमें देखिए बेल्ट को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और स्कर्ट को पलटकर हम पीछे की तरफ से रख लेंगे अब मैंने ये गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है ये इस तरीके से देखिए बंडल में आती है और 15 से 20 रुपए बंडल आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है तो जब भी मैं कान्हा जी की पोशाक बनाती हूँ तो हमेशा ये रेडीमेड डोरी ही यूज़ करती हूँ तो अगर आप ही जी की पोशाक बनाते रहते हैं तो इसमें की डोरी ज़रूर ले लें ये सभी कलर्स में आती है रेड ग्रीन ब्लू गोल्डन सिल्वर सभी कलर्स में आपको ये डोरी मिल जाएगी पर अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं हो तो आप ख़ुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं अब देखिए हमने ये जो डोरी ली है ना इसको हम इस तरीके से रखेंगे और बेल्ट को हमें ऊपर की तरफ से फोल्ड करना है एक बार तो ये हमने एक बार फोल्ड किया अब डोरी हमें यहाँ देखिए सेंटर में रहने देनी है और एक बार और हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे प्लेट्स डालते हुए हमने जो सिलाई लगाई है इसके ऊपर ऐसे रखेंगे अब हमें एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगाकर बेल्ट जॉइंट करना है क्योंकि यहाँ पे सेंटर में तो हमने डोरी रखी है तो अगर हम यहाँ ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो डोरी ज्वाइंट हो जाएगी इधर उधर खिसकेगी नहीं और कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम होगी इसीलिए जब भी हम बेल्ट ज्वाइंट करते हैं तो हमेशा एकदम नीचे से सिलाई लगाते हैं जिससे डोरी ज्वाइंट ना हो ये जो ड्रेस है हम पाँच और छः नंबर के कान्हा जी को बहुत ही आसानी से पहना सकते हैं हमें सिर्फ ये जो कमर का मेज़रमेंट है उसका ध्यान रखना है मैंने देखिए कमर की चौड़ाई छः इंच रखी है तो ये पाँच नंबर के कान्हा जी के लिए परफेक्ट आएगी अगर आप छः नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो आपको कमर की चौड़ाई साढ़े छः इंच रखनी है या फिर आप चाहें तो अपने कान्हा जी के कमर का मेज़रमेंट कर सकते हैं जो भी साइज आता है उसके हिसाब से आप कमर की चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी कान्हा जी के कमर का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है और कोई भी मेजरमेंट हमें चेंज नहीं करना है बाकी जैसा मैंने आपको बताया है आप आप उसी तरीके से से रखें सिर्फ कमर की चौड़ाई कान्हा जी के से साधा के हिसाब कम या ज्यादा कर लें बेल्ट जॉइंट करने बाद अब देखिए स्कर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है और नीचे से हमने एकदम सिलाई लगाई है जिसकी वजह से डोरी जॉइंट नहीं हुई है इसको हम बहुत ही इजीली देखिए इधर उधर खिसका सकते हैं अब जब हम कान्हा जी को पोशाक पहनाएंगे तो कमर से ये इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा और फिर जब हम पीछे की तरफ से इसको बांधेंगे तो कमर की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी अब अगर डोरी जॉइंट हो गई होती तो यहाँ से खिसकती नहीं और कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम होती तो देखिए स्कर्ट बहुत ही खूबसूरत लग रही है अब हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए मैंने देखिए दो तरह का फैब्रिक यूज़ किया है एक तो हमने ये येलो कलर का गोटा पट्टी वाला फैब्रिक ले लिया है जिससे हमने स्कर्ट बनाई थी दूसरा मैंने यहाँ पे अस्तर का फैब्रिक ले लिया है चोली में हम अस्तर लगाएंगे जिससे उसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी और काना जी के लिए आरामदायक भी रहेगा अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ तो देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने एट इंचस यानी कि आठ इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने साढ़े चार इंच यानी कि फ़ोर पॉइंट फाइव इंच रखी है दोनों ही पीसेस का मेज़रमेंट मैंने एकदम बराबर रखा है अब ये जो गोटा पट्टी वाला फ़ैब्रिक है इसको हम सीधा करके रखेंगे और इसके ऊपर हमें यहाँ पे अस्तर का फैब्रिक रख लेना है इस तरीके से फिर हम इसको पलट लेंगे और एकदम बराबर करके रखना है हमें इसको फिर हम बीच में से एक बार इसको फोल्ड करेंगे हमें ध्यान रखना है फ़ैब्रिक एकदम बराबर होना चाहिए तभी जो हम कटिंग करेंगे वो भी एकदम परफेक्ट आएगी तो इस तरीके से हमने देखिए बराबर कर लिया है अब हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे तो एक बार हमने इसको फोल्ड कर लिया अब हमें एक बार और फोल्ड करना है इस तरीके से तो टोटल दो बार हमने फोल्ड किया है अब देखिए यहाँ से ये फोल्डेड वाली साइड है और इधर की तरफ से ये ओपन वाली साइड है तो जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पे हमें नेक की कटिंग करनी है तो हम बहुत ही छोटा सा नेक कट करेंगे क्योंकि जब हम चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे तो नेक का जो साइज है वो अपने आप बड़ा हो जाएगा तो शुरू में हमें छोटा सा नेक कट करना है मैंने देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटा सा नेक कट किया है अब किनारे से भी हमें शेप देना है इसको तो यहाँ से हम इस तरीके से देखिए कट करेंगे पहले हमने इसको पतला रखा और ऊपर से हमने ऐसे इसमें चौड़ाई दे दी है कट करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ ऐसे आ जाएगा अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए ओपन करने पे इसका शेप कुछ ऐसे आएगा अब हमें यहाँ से यहाँ तक सेंटर में एक कट लगाना है तो पहले हम इस पर मार्किंग कर लेंगे जिसे हमें अच्छे से शेप पता चले यहाँ से एकदम सीधे हम कट लगाएंगे बीचों बीच में आप चाहें तो इसको देखिए ऐसे फोल्ड करके फिर मार्किंग कर सकते हैं जिसे आपको पता चलेगा कि सेंटर कहाँ पे है तो हमने ये जो मार्किंग की है ना यहाँ से हमें एक कट लगाना है कट लगाने के बाद अब ये जो हमने नेक की कटिंग की है यहाँ पे हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे ये जो कोना निकला हुआ है सिर्फ इसको हमें कट करना है इस तरीके से दोनों ही तरफ से तो इधर की तरफ से भी फैब्रिक हम देखिए एकदम बराबर रखेंगे और ये जो कोना निकला है इसको हम कट कर देंगे अब चोली का शेप कुछ ऐसे आ जाएगा हमें यहाँ ऊपर से सिलाई लगानी शुरू करनी है और इस तरीके से ऐसे गले के चारों तरफ से सिलाई लगाते हुए यहां से यहां तक हम सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ से हम इसको ऐसे खुलाई छोड़ देंगे जिसे कि हम चोली को पलट कर सीधा कर सकें चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको कट कर लेना है इस तरीके से छोटे छोटे से हम कट्स लगाएंगे देखिए सिर्फ यहाँ से हमने इसको खुला छोड़ा है बाकी सभी तरफ से हमने इस पर सिलाई लगाई है और कट्स लगाने की वजह से इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है साथ ही साथ इसको पलटने में भी आसानी रहती है तो आप भी कट्स लगाना स्किप ना करें जरूर लगाएं। चारों तरफ से कट्स लगाने के बाद अब यहाँ नीचे से जो हमने इसको ओपन छोड़ा था यहीं से हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे पलटकर सीधा करने के बाद देखिए फ्रेंड्स चोली का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा अब आप चाहें तो चारों तरफ से इस पे फिर से एक सिलाई लगा सकते हैं जिससे कि इसमें फिनिशिंग आएगी या फिर आप इसके ऊपर प्रेस भी लगा सकते हैं अब हम चोली को स्कर्ट में जॉइंट करेंगे तो हमने देखिए यहाँ पे स्कर्ट ले लिया है एकदम बीचों बीच में इस तरीके से हमें रखना है चोली को और हम ध्यान रखेंगे फिर से हमें एकदम नीचे से सिलाई लगा के फिर चोली को स्कर्ट में जॉइंट करना है जिससे कि हमने जो डोरी लगाई है वो ज्वाइंट ना हो ज्वाइंट करने के बाद अब देखिए कान्हा जी के लिए ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है